हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सोया चंक्स और आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, वो भी प्रेशर कुकर में। ये बहुत ही इजी होती है और ये बहुत ही फायदेमंद होती है क्योंकि ये सोया चंक्स प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है और बच्चे इसको बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। चलिए हम बताते हैं कि हमारी सोया चंक्स और आलू की सब्जी कैसे बनेगी। इस सब्जी को बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम हमने सोया चंक्स ले लिए हैं। ये मिनी सोया चंक्स है, इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर दिया था। ये देखिए खूब अच्छा ये स्वेल कर लिया है। अगर आपको तुरंत बनाना हो, आप सोक करना भूल गए हो, तो आप इसको एक बार पानी में 5 मिनट के लिए बॉईल कर ले और इसका वाटर स्क्वीज करके रख ले, तब पर भी आप यूज कर सकते हैं तुरंत तुरंत। नहीं तो आप 2 से 3 घंटे के लिए स्क्वीज कर देंगे, 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर देंगे और स्क्वीज कर देंगे, तब पर भी ये ऐसे ही हो जाता है। तो ये मैंने ऐसे लिया है, इसको 100 ग्राम सोया चंक्स है। 3 बड़े आलू ले लिए हैं हमने, 4 टमाटर ले लिया है उसको काट लिया है, 1.5 चम्मच हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, इसमें 6 से 7 कलियां लहसुन की है और 1.5 इंच हमारा अदरक है, 2 बड़े प्याज ले लिए हैं उसको भी काट लिया है और थोड़ी सी धनिया की पत्ती ली है गार्निशिंग के लिए। चलिए बताते हैं मैं और क्या लगेगा। 3 बड़े चम्मच हमें वेजिटेबल ऑयल लगेगा, 2 तेज पत्ता लिया है, 1/2 चम्मच हमें क्यूमिन सीड की ली है जीरे की, 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1/4 टेबल स्पून हींग ली है, 1/2 चम्मच हमने हल्दी ली है और नमक स्वाद अनुसार लेना है आपको। चलिए हम बनाते हैं अपनी सब्जी। सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और फिर अपनी आलू डाल देंगे। आलू और सोया चंक्स हमें एक बार फ्राई कर लेना है बनाने से पहले, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जियों का। सबसे पहले हम ऑयल आलू डालेंगे और अपनी सोया चंक्स भी इसी स्टेज पे डाल देंगे और 3 से 4 मिनट तेज आंच पे ही हम इसको अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि अच्छा सा इसमें सोंधापन आ जाए। 3 से 4 मिनट हम इसको तेज आंच से चला चला के पका लेंगे। 3 मिनट हो गया है, हमने इसको तेज आंच से लगातार चलाते हुए पका लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। ये सब्जी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, इसीलिए बहुत ही इजी सब्जी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल लिया है। अब ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर उसके बाद हम अपना जीरा ऐड कर देंगे, हींग डाल देंगे और अच्छे से इसको पॉप होने देंगे, स्प्लैटर होने देंगे अपने जीरे को, जब तक ये अच्छा सा ब्राउन कलर नहीं हो जाता है। जीरे में ब्राउन कलर आने लगा है, अब हम अपना तेज पत्ता भी इस स्टेज पे डाल देंगे और उसके बाद हम जो अपनी कटी हुई प्याज थी वो लेके डाल देंगे और प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है। अब हम इस प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी अच्छे से लाल हो चुकी है, अब हम अपना अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट हो गया है, हमने इसको अच्छे से स्टर कर लिया है। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो आप ग्रीन चिलीज भी, जब अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं तो उसमें 2 से 3 ग्रीन चिलीज भी ले सकते हैं। मैंने क्योंकि रेड चिली ली है, रेड चिली पाउडर लिया है, इसलिए मैंने ग्रीन चिलीज स्किप कर दी है। अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है तो आप ग्रीन चिलीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम अपना हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, जिससे हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाएं। धनिया पाउडर डालेंगे, ये अपनी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे हम इसी स्टेज पे। इसको एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे और फिर अपने टमाटर लेके डाल देंगे, जिससे हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। और इसी स्टेज पे हम अपना नमक भी डाल देंगे। नमक आपको स्वाद अनुसार डालना है और इसको अच्छे से हमें चला लेना है और बहुत ही अच्छे से हमें टमाटरों को अब गला लेना है। टमाटर गलाने में 3 से 4 मिनट लगेंगे, तो इसीलिए हम इसको धीमी आंच पे ढक देते हैं कि हमारे टमाटर थोड़े थोड़े गल जाएं और बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहें जब तक कि हमारे टमाटर गल ना जाए। मैंने इसका ढक्कन हटा हटा के इसको 3 से 4 बार चलाया था। मैंने इसका सीटी नहीं लगाई थी, बस केवल हमने कुकर के ढक्कन से इसको ढक दिया था और 2 से 3 बार मैंने इसको बीच बीच में चलाया भी है। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और कितना सुंदर कलर आया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी सब्जी है जो हमने फ्राई की थी, आलू और सोया चंक्स, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको भी इन मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे मसाले अच्छे से हमारी सब्जियों में भून जाएं।
और ये जो अपना गरम मसाला है ये भी हम इसी स्टेज पे हम अपना डाल देंगे, जिससे गरम मसाला अपना फ्लेवर देने लगे। और इसको 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम आंच पे इसको चला देंगे, जिससे हमारी सब्जियों में मसाले अच्छे से चले जाएं। इसको चलाते रहेंगे मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो गया है, सब्जियों को हमने अच्छे से चला लिया है। ये देखिए मसाले कैसे अब्जॉर्ब हो गए हैं सब्जी में। अब हम अपना पानी डाल देंगे। पानी अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से आप पानी डालिए। अगर आपको चावल के साथ खाना है तब आप थोड़ा ज़्यादा इसमें पानी डाल सकते हैं। रोटी के साथ खाना है उस हिसाब से, जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1 गिलास पानी लिया है, थोड़ा सा और पानी लूँगी। टोटल मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी का यूज़ किया है। इसको अच्छे से स्टर कर लूँगी और इसमें हम सीटी लगा देंगे। कुकर में हम आप सीटी लगा देंगे, 1 सीटी तेज आने देंगे, वेट करेंगे, उसके बाद हम अपनी गैस स्लो कर लेंगे, फिर 1 सीटी आने देंगे और उसके बाद हम अपनी गैस बंद करेंगे। टोटल यानी हमें दो विसल का वेट करना है, 1 तेज आंच पे और फिर धीमा कर देंगे, फिर 1 विसल जब आएगा तो हम अपनी गैस बंद कर देंगे। अब हम वेट करेंगे जब तक इसमें पहली विसल ना आए। 1 विसल आ गई है इसमें तेज आंच पे। अब हम अपना गैस धीमा कर देंगे और फिर इसके बाद वेट करेंगे कि धीमी आंच पे जब विसल आएगी फिर उसके बाद हम अपनी गैस बंद कर देंगे। यानी टोटल इसमें हमें वेट करना है 2 विसल्स का। जब ये 2 विसल हो जाएगी तो हमारी सब्जी अच्छे से पक जाएगी। अब इसमें दूसरी विसल भी आ गई है, जब हमने धीमी आंच की थी उसके बाद इसमें दूसरी विसल आ गई है। अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे और वेट करेंगे जब तक कि इसका ये प्रेशर ना खुल जाए। प्रेशर हमारा रिलीज हो गया है। अब हम अपनी सब्जी का ढक्कन हमने हटा दिया है। देखिए कितना सुंदर रंग आया है सब्जी का। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। हमारी सोया चंक्स और आलू की सब्जी प्रेशर कुकर में बन के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट है और हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ही हाई अमाउंट में होता है सोया चंक्स में। तो आप भी अपने फैमिली के लिए ये सब्जी बनाइए और अपना हेल्थ बेनिफिट उठाइए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, बाय।